हेलो बच्चा, हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन आवर चैनल दैट इज अचीवर्स क्लासेस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल अचीवर्स क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को 10th क्लास के बोर्ड आने वाले हैं, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसमें मेनली सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कंसेप्ट है आपके पास, चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आप अगर एक्सरसाइज 13.3 पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लोइंग ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कैनाल से कनेक्टेड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कैनाल से कनेक्टेड है, ठीक है जी। जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वो कैनाल से कनेक्टेड होता है, तो वो दिखाता हूं मैं आपका, इस तरह से कैनाल से कनेक्टेड क्वेश्चन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका सिलेंड्रिकल मतलब पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन के लिए, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा हमारा, ठीक है, एक ही कंसेप्ट, एक ही फॉर्मूला लगा के आपके पास दोनों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोनों क्या, आपका किसी भी, ठीक है, आपका कहीं पे भी फ्लोइंग ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका सिंपल एक ही कंसेप्ट लगना है, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूं, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के दोनों ही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप दुनिया के किसी भी क्वेश्चन बुक उठाइएगा, आरएस आरडी एनसीईआरटी एग्जाम्पल, कहीं से भी क्वेश्चन लगाइएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है फंडामेंटली फेल हो जाए हमारा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए समझते हैं, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, ठीक है। चलिए पहले अपने कंसेप्ट को समझते हैं। देखिएगा जी, तो हम बात करें तो क्या हम फ्लोइंग ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फ्लोइंग ऑफ वाटर से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा फंडामेंटल है आपका, चाहे कैनाल से रिलेटेड हो चाहे आपका पाइप से रिलेटेड हो। तो देखिएगा, कैनाल हो आपके पास तो कैनाल आपके इस तरह से होती है, मीन्स कैनाल को जो आप शेप कंसिडर करते हैं वो आप कंसिडर करते हैं क्यूबॉइड इस तरीके, हाँ जी, इस तरीके से। तो इसमें से, और चाहे आपका पाइप से रिलेटेड, तो पाइप से रिलेटेड आपको सिलेंड्रिकल पाइप इस तरीके से कंसिडर करते हैं इस तरीके से। चाहे क्वेश्चन आपका कैनाल वाला हो चाहे पाइप वाला, दोनों के लिए एक ही फंडामेंटल काम करेगा, ठीक है। तो इसमें से मान लेते हैं भाई, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, फ्लो हो रहा है। जब वो फ्लो हो जाएगा तो वो किसी कंटेनर में भी जाएगा, ठीक है बच्चा, जब वो फ्लो हो रहा है तो आपके पास किसी कंटेनर में जाएगा। हमने कहा यहाँ पे कोई भी कंटेनर जो भी है वो किसी भी शेप का हो सकता है, उस समय प्रॉब्लम नहीं, ये किसी भी शेप का हो सकता है कंटेनर, हाँ जी, ऐसे ही यहाँ पे ये भी किसी कंटेनर में ही जाएगा। कंटेनर मतलब नहीं है कि कोई आपके पास, मतलब कोई फील्ड भी हो वो भी कंटेनर का काम करेगा, मतलब जहां पे पानी जा रहा है इस तरीके से। तो सिंपल क्या फंडामेंटल है मेरे बच्चे, इसके लिए सिंपल सा एक फंडामेंटल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग थ्रू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू मल्टीप्लाई बाय टाइम वुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो जिस भी कंटेनर में जा रहा हो। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी ऐसे यूज हो जाता है, ये कंसेप्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर ही फ्लो जो हो रहा था वो ही दे देता है, ठीक है, बट कई बार नहीं देता, इनकी डायमेंशन दे देता है। तो अगर मैं इसको आपको क्यूबॉइड वाले केस के लिए समझाऊं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यूबॉइड का कितना, एल इंटू अ बी इंटू एच, ठीक है जी, इंटू अ टाइम, मतलब ये क्यूबॉइड वाले के लिए, इसके लिए इंटू अ टाइम वुड बी इक्वल्स टू कंटेनर, वो जिस भी शेप में जाएगा वहां पे, भाई इधर भाई यहाँ पे क्यूबॉइड फील्ड में जा रहा हो तो वो भी क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा, कोई आपके पास हेमिस्फीयर में जा रहा हो तो हेमिस्फीयर शेप का हो जाएगा, ठीक है, सिलेंडर में जा रहा हो तो सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा, हाँ बच्चा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इस तरीके, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये जो भी रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास ये सिलेंड्रिकल का हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय टाइम
वुड बी इक्वल्स टू, फिर से कितना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इस तरीके। हाँ बच्चा, बस आपको जो खास बात इसमें याद रखने वाली वो समझना है। क्या ध्यान देना है आपने मेरे बच्चा, आपने ध्यान देना है ये जो यहाँ पे ये लिखा है ना मेरे बच्चा, ये जो यहाँ पे ये हाइट है और यहाँ ये जो टाइम है, ठीक है, कितनी देर के लिए, सॉरी यहाँ पे इसको, यहाँ जो इसमें भाई क्यूबॉइड के केस में तो जो ये लेंथ है वो ये वाली मीन्स एल काम करेगी, और सिलेंडर केस में जो काम करेगी वो ये हाइट काम करेगी, ठीक है। यहाँ जो ये लेंथ है और ये टाइम, इस पे आपको फोकस रखना है, क्या कि जिस ड्यूरेशन में टाइम है आपके पास उसी की वही यूनिट की लेंथ रखनी है। अगर उसने कहा भाई 30 मिनट तो आपको एक मिनट के लिए लेंथ रखनी है, अगर उसने कहा कि 5 घंटे के लिए इसकी वॉल्यूम बता दो या जो भी वो पूछना चाहेगा, 5 घंटे के लिए टाइम इन्वॉल्व हो आर में, तो आपको 1 आर में रखनी है। या कई बार ऐसा तो कि टाइम निकालना है, तो जिस भी पर यूनिट में आप इसकी लेंथ रखेंगे, मान लिया हमने 1 यूनिट 1 आर के लिए रखा, तो टाइम हमें यहां पे जो भी मिलेगा आर में। अगर यहां पे हमने जो लेंथ रखी वो 1 मिनट के लिए रखी, तो यहां जो हमें टाइम मिलेगा मेरे बच्चा वो मिनट में मिलेगा, ठीक है। और यही फंडामेंटल आपका काम करता है पाइप में, पाइप में जो हाइट लेंथ का काम करेगी वो कौन करेगी, हाइट, और यहां ये काम करेगा इस टाइम पे। जो ध्यान वहां पे रखना था कैनाल वाले में, वही ध्यान आपको यहां पे रखना है, ठीक है। अब देखो ये मैंने फंडामेंटल आपको समझा दिया, अब मैं इसको दोनों ही क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, आपको कैनाल वाले में भी और आपको पाइप वाले में भी, ठीक है बच्चा। प्लीज वीडियो को लास्ट से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपने। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इस तरीके से है, आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठाया है मैंने, वॉटर इन अ कैनाल, तो कैनाल है तो मीन्स क्यूबॉइड शेप का इस तरीके से। हाँ जी, वॉटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, जो इसकी विड्थनेस है वो दे रखी है मैंने, ये वाला पार्ट ये 6 मीटर है। हाँ जी, 1.5 मीटर डीप, ये 1.5 मीटर है। ये 1.5 मीटर डीप, ठीक है। इट्स फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यहां स्पीड स्पीड मतलब लेंथ ही कवर होगी ना, ये लेंथ, तो कहने का मतलब लेंथ फॉर 1 आवर दे दिया इसने, लेंथ फॉर 1 आवर। देखो टाइम हम किस में रख रहे हैं, लेंथ 1 आवर में, तो टाइम हमें निकालना पड़ा तो मिलेगा आवर में, और हमें रखना पड़ा तो भी हमें आवर में ही रखना है, बस ये फंडामेंटल है। लेंथ फॉर 1 आवर कितना, 10 किलोमीटर। अब ये बुरा मान जाएंगे, ये मीटर में ये किलोमीटर में, तो इन्हें बुरा ना लगे, इसको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाय बाय 1000 मीटर, इस तरीके से मेरा बच्चा ये हो गया। हाँ जी, ये लेंथ फॉर 1 आवर आ गई, ब्रेथ है, हाइट है आपके पास, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, ठीक है, ये कितना एरिया इरिगेट करेगा, मतलब जब यहां से पानी फ्लो हो रहा है ऐसे, ये तो ये भी आपके पास किस में जाएगा, एक इरिगेट एरिया से, मतलब एरिया मतलब वो भी क्यूबॉइड शेप में जा रहा है, जो यहाँ पे कंटेनर का काम करेगा, कहने का मतलब यहाँ जो कंटेनर का काम करेगा वो भी क्या करेगा, क्यूबॉइड ही करेगा, वो भी कौन है मेरे बच्चा, क्यूबॉइड है, क्योंकि लैंड क्यूबॉइड की शेप का होता है इस तरीके से। हाँ जी, ये भी क्यूबॉइड शेप का ही है, इफ 8 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट है वो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, फिर से ये मीटर में बेचारे, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर तो बुरा मान जाएगा, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 8/100। अब हमारे पास सारी बात है, इन 30 मिनट टाइम दे रखा है आपको, कितना टाइम दे रखा है मेरे बच्चा आपको, कितना 30 मिनट, और मैंने कहा था जितनी देर के लिए लेंथ, जितनी यूनिट में उसमें टाइम, या तो भाई 1 मिनट की लेंथ रखो या फिर इसको आर में कन्वर्ट करो, तो इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेट इज द 1/2 आर हो जाएगा ये। हाँ बच्चा, इस तरीके से अब अपना कंसेप्ट लगाते हैं, जो मैंने वो कंसेप्ट बताया उसको लगाते हैं मेरे बच्चा, है ना। देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम
फुट बैग इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हाँ बच्चा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लगाते हैं, जरा देखिएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल है तो किसका काम करें, क्यूबॉइड का। तो एल इंटू बी इंटू एच इंटू आर टाइम, ठीक है, और जिसमें जा रहा है वो भी क्यूबॉइड है, ठीक है। तो एल इंटू बी इंटू एच, यहां पे उसने क्या पूछा, एरिया, एरिया का मतलब ये वाला पार्ट, एल इंटू बी, एल इंटू बी को तो एरिया बोलेंगे, तो यहां पे सारी वैल्यू रख देते हैं मेरे बच्चा। देखो एल की वैल्यू कितनी है घंटे के लिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000। ब्रेथ की वैल्यू कितनी मेरे बच्चा, 6। हाइट की वैल्यू कितनी मेरे बच्चा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना, 1/2। ये एरिया तो निकालना ही है आपको, एरिया, और ये हाइट आपको रखिए 8/100, इस तरीके प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे नोट आओगे, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 से 10 कट गया मेरे बच्चा, इसको कट कर लेते हैं, 2 3 जा, तो वैल्यू हो गया आपके पास ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 45। हाँ बच्चा, ये 100 मल्टीप्लाई से यहाँ पे आ गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और 8 यहाँ पे आ गया, तो ये आपके पास एरिया निकल के आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो कुछ भी पूछे इसमें आपको यही फंडामेंटल लगाना है, आपको ये वाला फंडामेंटल लगाना है मेरे बच्चा, ये जो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में बताया, सिंपल इसी फंडामेंटल से क्वेश्चन होंगे, चाहे आपका क्वेश्चन कैनाल का हो, चाहे क्वेश्चन आपका पाइप वाला हो। अभी देखो पाइप वाले पे निकाल के देखूंगा, लगाऊंगा, पहले उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां से कट कर लेते हैं, तो आप 100 इंटू 10 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 100 तो लिख ले आप 2 इंटू 4, ठीक है, 4 25 दा और 250 दा, जैसे आपके पास कैलकुलेट करेंगे एरिया, तो ये एरिया निकल के आ जाएगा, तो आपके पास ये एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स जहां तक मुझे याद है इसका एरिया आता है मेरे बच्चा 5,62,500 meter square। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, मुझसे ज्यादा अच्छे जानते होंगे आप कैलकुलेशन, ठीक है। इस तरीके से अब इसी चीज को मेरा बच्चा मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ किसमें, पाइप वाले, ठीक है, देखिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी बात, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि टाइम जब गिवन हो, चाहे टाइम निकालना हो चाहे टाइम दे रखा हो, यही कंसेप्ट लगेगा आपका, ठीक है बच्चा। चलिए देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप, इस बार पाइप कनेक्ट किया तो मतलब सिलेंड्रिकल पाइप, पाइप तो सिलेंड्रिकल ही होता है इस तरीके से, ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, जिसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है, हमें तो रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस हो गया 10, वो भी किसमें, सेंटीमीटर, ठीक है जी। फ्रॉम अ कैनाल इंटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, और जो कनेक्ट किया जिसमें वो भी क्या है, टैंक है, वो भी किस शेप का है, इस बार सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसमें आपके पास वाटर फ्लो हो रहा है इस तरीके, ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है जी। इंटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 10 मीटर, तो हमें तो फिर से क्या चाहिए, रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, 5 मीटर, ठीक है। 2 मीटर डीप, डीप मतलब उसकी हाइट, ये इसकी हाइट दे दी 2 मीटर। हाँ जी, इफ वाटर फ्लोस थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ये कितना दे दिए फिर से, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, तो कहने का मतलब 1 घंटे के लिए जो इसकी हाइट काम करेगी वो किलोमीटर में, इन हाउ मच टाइम, जो इस बार पूछा टाइम, तो हम यहाँ पे एक आर के लिए रखेंगे मेरे बच्चा, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वहां पे वो आर की मिलेगी,
जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वहां पे आर की मिलेगी। तो कंसेप्ट लगाता हूं मैं अपना, कंसेप्ट क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू, फ्लोइंग थ्रू मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हाँ बच्चा, इस तरीके से। हाँ, इस बार जो पानी फ्लो कर रहा है वो भी सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम तो निकालना ही है इस बार, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो भी सिलेंड्रिकल है पाए आर स्क्वायर, पाए से पाए तो कट ही गए, चलिए वैल्यू रखते हैं ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस वाले के लिए फॉर पाइप, पाइप के लिए यहां पे लिख लेता हूं मैं फॉर पाइप, पाइप के लिए आर की वैल्यू, ठीक है, पाइप के लिए जो आर की वैल्यू है इसको आर वन से डिनोट कर देना, आर वन एच वन, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन ना हो। आर वन की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये मीटर में सेंटीमीटर बुरा लगेगा तो 10/100 मीटर हो गया। हाँ, इसके लिए हाइट h1 फॉर वन आर, वन आर कितना करेगा 3 किलोमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 3 × 1000 मीटर हो गया। हाँ बच्चा, कंटेनर के लिए फॉर कंटेनर, फॉर कंटेनर, कंटेनर के लिए r की वैल्यू बच्चा 5, h की वैल्यू 2, टाइम तो निकालना ही है, सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो पाइप के लिए r1 स्क्वायर मीन्स 10/100 इंटू आ 10/100 h, h1 1 घंटे के लिए, तो टाइम भी हमें घंटे में ही मिलेगा याद रखिएगा, 3 × 1000। हाँ जी, टाइम तो निकालना ही है मेरे बच्चा, इक्वल्स टू r 5 × 5 × h, h की वैल्यू मेरा बच्चा 2। हाँ जी, काटाबीटी कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, इससे ये कट गया। तो टाइम निकालना है अपने को, टाइम वुड बी इक्वल्स टू 5 × 5 × 2 अपॉन में ये चला गया मेरा बच्चा कितना 10 × 3, इस तरीके, ठीक है। किसमें मिलेगा हमें, आर में, क्योंकि हमने यहाँ पे आर की वैल्यू रखी, बस यही ध्यान रखना है, मिनट की रखी ना तो मिनट में मिलेगी, आर में रखेंगे तो आर में मिलेगी, ठीक है। काटापीटी कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, 5/3 आर हो गई, 5/3 आर। अब हम ऐसे तो बोलते नहीं है आज टाइम हो रहा है 5/3 आर, हम तो वही कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, तो उसे मिक्स फ्रैक्शन बनाए तो ये हो जाएगा 1 2/5 आर हो जाएगा। ऐसे भी नहीं बोलते हम, तो बोलते हैं अगर एक घंटा पूरा उसके बाद जो भी टाइम होता है उसको मिनट में बोल देते हैं, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 तो पूरा और 1 आर 2/5 × 60 मिनट हो गया आपके पास ये। हाँ जी, इसको कट कर लेते हैं, 5 से कट हो जाएगा, ये कितना 5 × 12 जा, इस तरीके से 3 बन जाती, सॉरी ये गलती हो गई बच्चा, यहां जो ये आएगा आपके पास, ये तो 3 था ना, 3 इस तरीके से, ठीक है जी, ऐसे यहां पे आपके पास ये 3 था, ये 3 तो कट कर लेते हैं, 320 था, योगा के बाद 1 hour 40 minutes, इस तरीके। आई होप आप सभी को कंसेप्ट क्लियर होगा होगा, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। पूरा देखो आपने, मैंने क्या किया, सब जगह हर जगह यही कंसेप्ट को फॉलो किया है, चाहे आपका कैनाल वाला क्वेश्चन था, चाहे मेरे बच्चा आपका क्वेश्चन कैनाल वाला था, चाहे क्वेश्चन आपका पाइप वाला था, सिंपल इस कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है एंड यू विल गॉट द आंसर्स of every questions।
आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, फॉर्मूला अप्लाई ना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, लव यू।